सीधा गाजियाबाद लिए चलते हैं। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ का वहां पर संबोधन चल रहा है। दक्षिण पूर्व पश्चिम मुझे इस दौरान लगभग 5 से 6 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और बहनों और भाइयों, जो जनता की आवाज है वह जनता की आवाज आज देश की आवाज बन रही है और वह आवाज है कि फिर एक बार अब की बार बहन और भाइयों, ये अब की बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का जो ये नारा देश के अंदर गूंज रहा है, वैसे ही नहीं गूंज रहा है। इसके पीछे पिछले 10 वर्ष के अंदर हुआ परिवर्तन है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हमने इस नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। जिस नए भारत में आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ रहा है, जिस नए भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है, अराजकता नियंत्रित हुई है, बेटी और व्यापारी सुरक्षित हुआ है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, IIT, IIM, एम्स, IIIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, दिल्ली से मेरठ के बीच 12 लेन का हाईवे बन चुका है, रैपिड रेल पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, मेरठ तक पहुंच चुकी है और इस वर्ष के अंत तक मेरठ सिटी के अंदर हम लोग मेट्रो का काम भी प्रारंभ कर चुके होंगे। बहनों भाइयों, याद करिए, जब 2014 में मोदी जी आए थे तब देश के अंदर मात्र 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है और अकेले यूपी के अंदर 6 शहरों में मेट्रो आ चुकी है, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, अभी मेरठ के अंदर हम काम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जब मोदी जी आए थे 14 में तब केवल 7 एम्स थे, आज देश के अंदर 22 एम्स है। ऐसे ही कई गुना वृद्धि हुई है हर एक क्षेत्र में। ये इंफ्रास्ट्रक्चर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं, कोई तुलना ही नहीं। याद करिए, 2014 के पहले भूख से मौतों की शिकायत आती थी, मोदी जी आए, उन्होंने जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं बल्कि सबका साथ और सबके विकास के आधार पर पूरे देश के अंदर योजनाओं का लाभ देने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। बहनों और भाइयों, किस रूप में सामने है आप इस बात को देख सकते हैं। 80 करोड़ लोग पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्ष तक फ्री में ही राशन मिलेगा। याद करिए, 1947 में पाकिस्तान बना था, भारत को तोड़ करके पाकिस्तान बना, भारत की भूमि का ज्यादा भूभाग पाकिस्तान के लिए चला गया, एक बड़ा भूभाग गया, जितनी आबादी थी उससे ज्यादा भूभाग गया। लेकिन बहन और भाइयों, आज पाकिस्तान, भारत जहां 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, वहीं पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी भूखों मरने की स्थिति में है, वहां भूख के नाले हैं। यह स्थिति आज पाकिस्तान की है। भारत के अंदर 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा और उत्तर प्रदेश में तो हमने ये भी व्यवस्था की कि जिस व्यक्ति के पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं,
विधायक सांसद या पीड़ित स्वयं भी एप्लीकेशन बना के भेज देता है तो मोदी जी ने पहले से ही जनधन अकाउंट खुलवाए हुए हैं, हम सीधे पैसा उस पीड़ित के खाते में भेज देते हैं जिससे वो उपचार करा सके और किसी को भी उपचार के भाव में भटकना ना पड़े। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए, 12 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के एलपीजी के फ्री के कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बन जाना, 2.5 करोड़ घरों में बिजली के कनेक्शन मिल जाना, ढेर सारी ऐसी गरीब कल्याणकारी योजनाएं जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे बड़ी आबादी भारत के अंदर पिछले 10 वर्ष में गरीबी रेखा से मुक्त होकर के एक खुशहाल जीवन यापन कर रही है। बहनों और भाइयों, जो ये परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, देश के अंदर जो ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन का कारण केवल और केवल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, जो आपने कल अयोध्या में देखा भगवान राम का, भगवान सूर्य के द्वारा सीधे सीधे तिलक हो रहा है, पूरा देश और पूरी दुनिया देख करके उत्साही थी, उत्साह और उमंग में थी। 500 वर्षों के बाद रामलला को अपनी जन्मभूमि पर अपना जन्मोत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, ये जो कार्यक्रम कल अयोध्या में हुआ, कांग्रेस सपा बसपा की सरकारें होती तो क्या ये हो पाता है? क्या ये लोग कर पाते? क्या राम मंदिर का निर्माण कर पाते? क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा पाते? क्या 3 तलाक की कुप्रथा को ये समाप्त कर पाते? क्या हर घर नल की योजना लागू हो पाती? क्या बहनों और भाइयों, ये सपा बसपा और कांग्रेस ने तो उत्तर प्रदेश को दंगा और कर्फ्यू की चपेट में ला दिया था। हर दूसरे दिन दंगा, महीनों महीनों कर्फ्यू। आज कर्फ्यू नहीं है, आज तो धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलती है इस क्षेत्र में, कोई रोक टोक नहीं। नौजवान के लिए आजीविका भी है तो आपकी आस्था का सम्मान भी है, विकास भी है तो गरीब कल्याणकारी योजनाएं भी हैं, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित हैं तो सुरक्षा का एक बेहतर माहौल भी दिया गया है। क्या ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग दे पाते? और इसीलिए मोदी जी ने कहा है कि बहनों और भाइयों, हमें विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश चाहिए और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने चाहिए। मोदी जी प्रधानमंत्री बने इसके लिए अतुल गर्ग यहां से सांसद बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना के अनुरूप विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत आवश्यक है। आत्मनिर्भर भारत के लिए उत्तर प्रदेश का आत्मनिर्भर होना आवश्यक है और इसी के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आप सब सहमत हैं? सहमत हैं? बहनों और भाइयों, मैं आपसे एक बात और कहने के लिए आया हूं। अतुल गर्ग का इस दौरान, चुनाव के दौरान गांव गांव घर घर घूमना कठिन होगा क्योंकि चुनाव तो केवल 14 दिन का होता है, 2000 से भी गांव पड़ते हैं, वार्ड अलग है, मोहल्ले अलग हैं, टाउन एरिया अलग है। इसलिए आप सबको मोदी जी और योगी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा और अतुल गर्ग स्वयं बनना पड़ेगा। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं?
अतुल गर्ग को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। इसी का आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान है आपके यहाँ, तो अभी से तैयारी, घर घर जाकर के एक एक वोट को सजोने का कार्य और कमल खिलाने का कार्य आपको करना है। सहमत है? तो बहनों और भाइयों, अतुल गर्ग जी मेरे पास सामने यहां खड़े हैं, आप दोनों हाथ ला करके उन्हें आश्वस्त करिए, मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से गाजियाबाद में उनका ये संबोधन, सबका साथ सबका विकास इस वक्त हो रहा है, जनता की आवाज़ है, आपकी बार 400 पारी, तमाम स्टेटमेंट देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। दुनिया में भारत में भारत का किस तरीके से सम्मान बढ़ रहा है और क्या कुछ किया गया है मोदी सरकार द्वारा, इन तमाम काम का जिक्र करते हुए यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ देखे गए।